कल फिल्मी फ्राइडे था, कई फिल्में अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुई। इन कई में से हमारे साथ ही शुभम ने आपके लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई तमिल फिल्म नेत्रिकन देखी। नेत्रिकन एक ए रेटेड फिल्म है, यानी सिर्फ 18 साल के ऊपर के ही लोग इस फिल्म को देख सकते हैं। नेत्रिकन 2011 में रिलीज हुई साउथ कोरियाई फिल्म ब्लाइंड का तीसरा रीमेक है। ब्लाइंड फिल्म का इससे पहले 2015 में द विटनेस नाम से चाइना में और 2019 में जापान में मिए नाए मोकुगेकी शा नाम से भी एक रीमेक बन चुका है। ब्लाइंड के हिंदी संस्करण की भी शूटिंग पूरी हो चुकी है। इस फिल्म में मुख्य रोल में आपको सोनम कपूर नजर आएंगी। ब्लाइंड का तमिल वर्जन यानी नेत्रिकन फिल्म कैसी है, क्या फिल्म ओरिजिनल थ्रिलर से मैच कर पाई या नहीं, इस पर आगे हम आपको बताएंगे। ये कहानी है स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग CBI ऑफिसर दुर्गा की, हट्टे कट्टे गुंडों को एक बार में चित कर देने वाली जाबाज महिला। लेकिन एक दिन सड़क दुर्घटना में दुर्गा अपनी आंखें गंवा देती है, जिस कारण वो CBI की नौकरी करने में भी सक्षम नहीं रहती। लेकिन दुर्गा इस मुश्किल परिस्थिति का भी पूरे जज्बे के साथ सामना करती है। नेत्रहीन जीवन जीने के सारे कौशल, जैसे ब्रेल लिपि सीखना, हियरिंग सेंस, स्मेलिंग सेंस डेवलप करना, रास्ते याद रखने जैसे कौशल सीखने लगती है। यहाँ दुर्गा का पालतू डॉग कक्का उसका मार्गदर्शक बनता है, जिसे साथ लिए वो धीरे धीरे इस जीवन में ढलने लगती है। एक तरफ जहाँ दुर्गा का जीवन आसान हो रहा होता है, वहीं दूसरी ओर शहर में कम उम्र की लड़कियों की गुमशुदगी की कंप्लेंट्स से पुलिस थाने के रजिस्टर भरते जा रहे हैं। इन सब किडनैपिंग्स के पीछे है एक साइको आदमी, जो मासूम लड़कियों को किडनैप कर उन्हें यौन यातनाएं देकर अपनी हवस का शिकार बना रहा है। एक दिन बस स्टॉप पर इसी दरिंदे की नज़र दुर्गा पर पड़ती है। वो बाकी लड़कियों की तरह दुर्गा को भी किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्गा पहले एक CBI ऑफिसर रह चुकी होती हैं, तो उसे खतरे का आभास हो जाता है और वो चकमा दे वहाँ से बच निकलती है। इस वारदात की कंप्लेंट करने दुर्गा थाने जाती है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है इंस्पेक्टर मणिकंदन से। मणिकंदन कहने को तो इंस्पेक्टर हैं, लेकिन इज्जत हवलदार भी नहीं करता इनकी। सीनियर निकम्मा समझते हैं और साथ के ऑफिसर सांबर बुलाते हैं। दुर्गा की कंप्लेंट सुन मणिकंदन को शक होता है कि इस केस के तार कहीं ना कहीं शहर में हो रहे लड़कियों के अपहरणों से जुड़े हुए हैं। अब इस केस की मुख्य गवाह नेत्रहीन दुर्गा बन चुकी हैं। मणिकंदन ये बात अपने सीनियर्स को बताते हैं, लेकिन वे इस बात को फिजूल बता टाल देते हैं। लेकिन मणिकंदन और दुर्गा दोनों साथ मिलकर इस केस की छानबीन में जुट जाते हैं। क्या दुर्गा इस अपराधी को पकड़ने में कामयाब होती है या इस साइकोपैथ का अगला शिकार बनती है, यह आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। नेत्रिकन एक टिपिकल थ्रिलर फिल्म लगती है, यानी आज तक बनी ज्यादातर थ्रिलर फिल्मों वाला ही कॉन्सेप्ट है। एक साइको विलन जो सारे अपराध डिम रेड एंड येलो लाइट में ही करता है, ब्लैक हुडी पहनता है। खैर, नेत्रिकन में थ्रिलर फिल्म वाला आनंद पूरी फिल्म के दौरान कहीं नहीं आता। कुछ कुछ सीन्स इलास्टिक की तरह खिंचे हुए लगते हैं। एक अच्छी थ्रिलर फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर बहुत अहम भूमिका निभाता है, लेकिन नेत्रिकन का बैकग्राउंड स्कोर एकदम बेजान है। फिल्म में कुछ सीक्वेंस बहुत क्लीशे और इलॉजिकल हैं। फिल्म में गिरीश गोपाल कृष्णन का संगीत अच्छा है, लेकिन गैर जरूरी है, जो फिल्म की बजाय अगर सिर्फ प्रमोशन में इस्तेमाल होता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि फिल्म में बीच बीच में आने वाले गाने मन में उत्पन्न हो रहे थोड़े बहुत रोमांच को भी स्वाहा कर देते हैं। फिल्म की एंडिंग भी आधे लोग पहले से ही आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन सब कमियों के बावजूद फिल्म बोर नहीं करती। ज़्यादा मज़ा तो नहीं आता, लेकिन मज़े की उम्मीद बनी रहती है। फिल्म में दुर्गा की मुख्य भूमिका में है नयनतारा। फिल्म में नयनतारा का अभिनय ही है जो दर्शक को अंत तक फिल्म से जोड़े रखने में कामयाब होता है। एक नेत्रहीन लड़की की बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से अगर हम देखें तो खामी लगती है, लेकिन चूंकि किरदार को स्मार्ट सेंसेस वाला दिखाया गया है, तो यहाँ उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। बाकी आंखों में उन्होंने जो पूरी फिल्म के दौरान स्थिरता बरकरार रखी है, वो सराहनीय है। पुलिस इंस्पेक्टर मणिकंदन का रोल किया है मणिकंदन आचारी ने। ये कैरेक्टर काफ़ी अच्छा लिखा गया है, एक नाइव किस्म का अंडरडॉग पुलिस ऑफिसर। इस किरदार को मणिकंदन ने उतने ही अच्छे से पोर्ट्रे किया है। फिल्म में ये कैरेक्टर हंसाने और रुलाने दोनों में सफल होता है। फिल्म के विलेन बने हैं अजमल अमीर। एक सरफिरे अपराधी की भूमिका निभाने में अजमल विफल होते हैं। बेसिक मुख मुद्राओं का सहारा लेकर इस इंटेंस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने की उनकी कोशिश पूरे तरीके से कमज़ोर बैठती है। कुछ पुरानी इंग्लिश फिल्मों के खलनायकों के जेस्चर्स को दोहराने के अलावा वो अपनी तरफ से किरदार को नयापन देने में नाकाम होते हैं। फिल्म को डायरेक्ट किया है मिलिंद राव ने। मिलिंद के निर्देशन में भी कोई खास बात नज़र नहीं आती।
राजशेखर की सिनेमेटोग्राफी में भी कोई दृश्य ऐसा नहीं है जिस पर अलग से चर्चा की जाए। नेत्रगन सस्पेंस थ्रिलर जॉनर के साथ न्याय नहीं कर पाती। इस डूबते जहाज को नयनतारा और मणिकंदन आचारी अपने अभिनय से अंत तक बचाए रखने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन फिल्म की घिसी कहानी, बेदम बैकग्राउंड स्कोर और अत्यधिक लंबाई जैसे सुराखों के चलते अंत में शिप यानी फिल्म डूब ही जाती है। आपके लिए रिव्यू किया था हमारे साथी शुभम ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।